तिलवारा थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि तिलवारा थाने अंतर्गत एक मेकला रिसोर्ट बोल के जगह है, वहाँ के कर्मचारियों ने थाने में सूचना दिया था कि उनके कमरा नंबर 5 में एक लड़का और लड़की 6 तारीख को आए थे और 3 दिन तक रुकने के लिए कह के अंदर गए हैं, और उसमें फिर 7 तारीख को लड़का अकेला चला गया, और ये 8 तारीख को दोपहर में जब उन्होंने कोई वहाँ से खाने के या चाय के लिए कोई नाश्ता के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उन्होंने जाके जानकारी ली और पता चला और कमरा देखा तो लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और शायद मृत अवस्था में थी, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया। तो सूचना प्राप्त होते कि थाना प्रभारी तिलवारा ने मौके पर जाके मुआयना किया और जानकारी प्राप्त किया था। जानकारी में ये पूरी जानकारी प्राप्त हुआ था कि ये एक लड़का और लड़की जिसका नाम अभिजीत पाटीदार कहा गया था और राखी मिश्रा कहे, उन लोगों ने अपना आईडी कार्ड दे के होटल मेकला रिसोर्ट में प्रवेश किया और प्रवेश करके घूमने के लिए 1-2 दिन घूमे, फिर बाद में वापस 7 तारीख को अकेला लड़का चला गया था। जैसे ही सूचना मिला था तो फिर इसमें विवेचना प्रारंभ की गई, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कौन वो अज्ञात लड़का हो सकता है। तो इसमें जो हमारे पास फिर बाद में जो उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना पोस्ट किया था और फिर जानकारी प्राप्त हुई और लड़की के यहाँ से भी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की, उसका असल नाम शिल्पा जारिया नामक निकला था, जो मूल निवासी कुंडम की थी मगर हाल में गोरखपुर में रह रही थी। तो इस लड़की का परिचय इस लड़के के साथ हुआ था, तो इनके दिन को परिचय था, बस इतनी जानकारी हम पुलिस के पास प्राप्त हो पाई कुछ दिन में। फिर बाद में इस अभिजीत पाटीदार के तलाश पुलिस ने शुरू किया था। इस तलाश में पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुना और प्रियंका शुक्ला जो CSP और उनका टीम ने पहला दिन से जब से जानकारी मिला लगातार इसमें प्रयास करते रहे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये आरोपी जो है दूसरा बार भी फिर पोस्ट करने लगा और इंस्टाग्राम में अपना वीडियो बना के पोस्ट करता रहा कि मैंने इसके वजह से उसका हत्या कर दिया था। तो इसको ढूंढने का प्रयास में जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि ये लड़की का उसके पास ATM कार्ड था जिससे वो पैसे ड्रॉ कर रहा था। कुल मिला के 2,37,000 रुपीज़ उस लड़की का अकाउंट में था। तो यहाँ से जबलपुर से वो रायपुर गया, रायपुर से जैसे ही टीम गई तो पता चला कि वो नागपुर से पैसा ड्रॉ किया, नागपुर के बाद फिर वो खंडवा गया, खंडवा के बाद बुरहानपुर के पास केवड़िया गुजरात गया, केवड़िया जब पुलिस टीम पहुंची तो वहाँ से वो हिमाचल ऊना चला गया, तो ऊना में जानकारी मिली तो फिर बाद में पता चला चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ के बाद फिर वो अंबाला तरफ होते हुए फिर वो अजमेर पहुंचा। तो परसों जब अजमेर से उसने 8 बजे के आसपास जब उसका ATM से फिर पैसा निकाला तो प्रियंका शुक्ला CSP को जानकारी मिली, उसने तत्काल उसकी लोकेशन मिलता रहा, वहाँ पर पुलिस अधीक्षक और प्रियंका लगातार अपने बैचमेट्स के साथ बात किया था। जब मेरे को सूचना मिली मैंने भी मेरे बैचमेट से बात किया जानकारी प्राप्त करने के लिए ताकि शिद्दत से उसकी वहाँ की पुलिस ढूंढ ले। तो अजमेर में जैसे ही सूचना मिला तो पुलिस अधीक्षक से सिद्धार्थ ने बात किया, फिर उसका बाद CSP ने बात किया, तो उन लोगों ने फिर एक टीम लगाई थी और टीम से फिर इसका ट्रेस करने का प्रयास किया। तो पता चला कि ये फिर बस से बैठ के सिरोही तरफ जाने का जानकारी मिली थी, तो सिरोही के पास फिर उनका वहाँ का जो लोकल टीम राजस्थान की पुलिस थी तो सिरोही में इसको एक टोल के जगह पे इसको बस को रोक के इस आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त किया था। स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन से सूचना मिली, जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस अधीक्षक ने फिर टीम को स्वरूपगंज पुलिस स्टेशन पर आज सुबह उसको यहाँ पर जबलपुर लाया गया था। इस पूरा केस बहुत ही कठिन वाला था, काफ़ी चैलेंजिंग था, ऑर्डिनरी मर्डर ब्लाइंड मर्डर जैसा नहीं था, क्योंकि आरोपी नियति चालाक और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। इसमें और एक बात कहने की है, इसको लगातार इसका प्रगति और क्या विवेचना चल रहा है, पुलिस महानिदेशक महोदय हर रोज़ सुबह और बीच में भी सिद्धार्थ और मेरे को फ़ोन करके पूछते रहते थे हम किस प्रकार का इस केस को सॉल्व कर रहे, विवेचना किस तरह से चल रहा है, पता राशि किस तरह से हो रहा है। तो हम लोगों के लिए हर दिन इसको एक चैलेंज है इसका, लेके बहुत ही अच्छी तरीके से इसका केस को सॉल्व किया गया था। ये इस चुनौती को सॉल्व करने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर प्रियंका और उनकी हर टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुलिस महानिदेशक महोदय ने भी पुलिस अधीक्षक और ये प्रियंका शुक्ला को कमेंडेशन लेटर देने का बात कही है, जिसका मैं प्रकरण उनके पास भेजूँगा।
और इसमें और एक एक बात इसमें कहने वाली बात है कि अभिजीत पाटीदार नाम से ही हम लोग इसको जानने लगे, क्योंकि इसने पूरा फेक आईडी बना के चल रहा था। ये फेक आईडी बना के फिर इसके बाद जो हमारा फॉरेंसिक टीम है, इसने एक बहुत अच्छा काम किया था। वो वहाँ का जितना भी चांस प्रिंट्स है, मतलब जो फिंगर प्रिंट्स है वो निकाला था, निकाले। उस फिंगर प्रिंट में से एक फिंगर प्रिंट क्या है, इस आरोपी का नासिक पुलिस द्वारा मैच किया गया। उसमें पता चला कि इसका असल नाम अभिजीत पाटीदार नहीं है, मगर हेमंत राजेन बडाने हैं। तो और वहाँ पर भी इसका काफ़ी अपराध है, लूट से लेके चोरी, व्हीकल थेफ्ट, हर तरह का टोटल नंबर ऑफ 37 अपराध है, जिसमें नासिक में 35 और दो कैकी ताने से निकले हैं। और इसके साथ साथ क्या है, हमारा जबलपुर में भी इसने एक 420 की घटना घटित किया है। इसी अगस्त के महीने में एक व्यापारी जो है यहाँ कोतवाली थाने से, उन्होंने शक्कर और तेल का लेके बोल के 8.5 लाख रुपए का उसको धोखा दे के चला गया। फिर बाद में इसने एक बार एक पोस्ट किया था जिसमें उसने एक नाम जो बिहार का नाम क्या जितेंद्र का नाम बता, बिहार से फिर पूछताछ किया तो पता चला कि जितेंद्र भी इससे पीड़ित व्यक्ति था, इसी उसी के यहाँ पर रह के जितेंद्र को भी उसने धोखा दिया था। तो इस प्रकार क्या है कि पुलिस लगातार काम कर रही थी, और ये व्यक्ति जो आरोपी है एक ठिकाने में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। जैसे ही एटीएम में निकला और हमारी टीम गई तो पता चला ये दूसरे ठिकाने पे चला गया। तो लगातार इसको परस्यू करने में और इसका लगातार पुलिस की मदद लेने में हम लोग काफ़ी प्रयास हुआ था, और राजस्थान पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे अन्य स्टेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको ढूंढने में और पकड़वाने में। अभी आज सुबह ने, जैसे मैंने कहा था, आज सुबह लेके आए हैं, अभी पूछताछ अभी जारी है, इसको कोर्ट में पेश करेंगे, पेश करके फिर उससे पूछताछ करेंगे। आप जानते हो अपराधी क्या है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर तरह का अपराध किया है, मतलब चोरी से लेके धोखाधड़ी से लेके और हत्या, अभी ये वाला प्रकरण आया है। तो हम पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे उसने जो भी जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम ऐसा कुछ चीज़ बता नहीं सकते जिसमें वो वजह कुछ और निकल जाए बाद में। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे इस अपराध में। नहीं, हम लोग पूर्व में भी आप लोग कई बार आपके माध्यम से जनता को निवेदन किया था, कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर आता है, अज्ञात व्यक्ति आता है, तो उसका एकदम से भरोसा करके उनको घर देना या कोई ऐसा ठिकाना देना, फिर बाद में अपराधी निकलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि क्रिमिनल्स बेल जंप करके दूसरे स्टेट्स के आके कहीं भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि फेब्रुअरी में भी एक ऐसा अपने पास घटना हुई थी जहां पर लूट हुआ था, जो वाराणसी के रहने वाले और यहां पर आके रुके हुए थे। तो उस समय भी हम लोगों ने आपके माध्यम से सभी लोगों को निवेदन किया था कि क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई शक होता है किसी स्ट्रेंजर के बारे में, किराएदार के बारे में, नौकर में, आप तत्काल पुलिस को सूचित करें, हम लोग वेरीफाई करके आप लोग सही जानकारी देंगे। अभी आज पूछताछ के बाद हम लोग देखेंगे कि होटल्स उस दिन से जब से ये हुआ है, और पहले भी हम लोग जनरली वीवीआईपीज भी आते हैं तो लगातार चेकिंग होटल्स का, ढाबा का, लॉज का चलते रहता है। तो ऐसा पहला प्रकरण अभी हमारे पास ये आया है, तो हम देखते हैं किस परिस्थिति में किया है। जैसे अभी होटल वालों के सामने उसने अपना आधार कार्ड दिया है, जो आधार कार्ड क्या सही पाई जैसा आधार कार्ड है, जो फेक आधार कार्ड से एंट्री लिया है, अगर वो होटल वाले का कोई गलती होगा तो फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।